हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम तो नहीं अच्छे फिलहाल, अगर हमारा पूछोगे तो। हमारी भी तबीयत खराब है और देव बाबू काफी ज्यादा सीरियस है, मतलब उसकी काफी ज्यादा तबीयत खराब है। और सब तैयार हो रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं हम लोग। ये देखो, देव बाबू भी तैयार हो गए हैं हॉस्पिटल जाने के लिए। चले ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो ना गाइस। पता है जब ये खांसने लगता है ना बहुत ज्यादा, मतलब सांस नहीं ले पाता, सांस रुक जाती है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ऐसे कर दिया ऐसे, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं फिर फटाफट, उसके बाद दिखाएंगे दिखाएंगे बाबू को, और हो सकता है हम भी अपनी दवा ले अभी, हो सकता है। तो सब जा रहे हैं, उसके बाद दो दिन से बहुत खांसी ना, मतलब 2 सेकंड के लिए वो सांस नहीं ले पाता और आंख में आंसू भर जाते हैं, पूरा चेहरा एकदम अजीब सा हो जाता है। उस दिन तो ये भी रोने लगी, मम्मी भी रोने लगी उसकी वजह से, कितना ज्यादा उसकी सांस ऐसे रुक गई, बहुत ज्यादा उसकी हालत खराब हो जाती है। ऐसे मेरे साथ भी होता है अभी फिलहाल, अभी मेरा पहले से सही है, लेकिन लेकिन बाबू छोटा सा है वो, छोटे से मैं तो सह ले रहा हूँ। खांसते आप लोग को तो पता ही होगा ना, सीना दर्द करने लगता है, तो इस वजह से वो निकल जाता है, वो बेचारे को बलगम निकल जाता है, बलगम थोड़ा थोड़ा निकलता है। डॉक्टर कीर्ति भी जा रही है वही डॉक्टर के पास, या नानी घर है वहीं पे, वहीं पास में, तो वहीं में जा रही है, उसको लग रहा है नानी घर जाएंगे। मम्मी कौन आएगा घर में, तुम घूमने जा रही हो क्या, इतना टाइम जल्दी से आओ ना। हाँ ये बॉक्स ले लीजिए, यहाँ नहीं फोन डाला जाता भाई। अरे डाल लीजिए फिर निकाल लेंगे, नहीं खराब हो जाता है ये उसका। ये बाबा ये फोन क्यों ली हो, ये फोन क्यों ली हो, ये वाला नहीं लेना। मेरा एक तो लिए हैं हम, मेरा नहीं लेंगे क्या, तुम्हारा ले लेगा बस, मेरा तो ये है। क्या करने जा रहे थे हम भूल गए, तुम्हारा जूता ले लेना बस। कौन सा जूता बनने गया, ब्लैक वाला यहाँ पे है, दूध पिलाऊंगी। हाँ बता रहे हैं बाहर है, फिर गाड़ी में पिलाना है। हाँ सही, चलो गाइस जूता ले ले हम अपना। वहाँ ब्लैक वाला जूता कहाँ है, कहाँ यहाँ है, अंदर रखा है। ब्लैक भी रखा है, वाइट भी, वाइट वाला तो खराब है। देखो गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, इस वजह से राधा आई है देवी मैया से, जो घर की मंदिर मनाने के लिए, उसके बाद जिससे कि सब अच्छा हो जाए, बाबू अच्छा हो जाए। देख मैं बाबू को जल्दी ठीक कर दे, मैं और किसी और हॉस्पिटल में ना जाऊं दोबारा, यही अभी हम लोग दूर हॉस्पिटल में जा रहे हैं, काफी दूर, तो इस वजह से 40 किलोमीटर दूर लगता है। हाँ अपने मम्मी का ये मास्क देखो, तुम्हारी मम्मी का ये मास्क गिर गया, चप्पल ले जाओ मम्मी को दे दो, अपना मास्क लेके निकलो, चप्पल चल, मास्क जरूरी है। जी लोग आए, सब तैयार होके आ गए, अब हम लोग यहाँ से निकलने पर राधा खड़ी है, चलो बैठो बैठो, बोल दिए सब बैठ। अरे बाप रे अभी तो ठंडी लग रही है इसमें, क्या हुआ, भाभी बाबू को लेके बैठी है, क्या हुआ, अब इधर राधा बैठ नहीं पा रही हो, अरे ऊन लगा थी। हाँ तो हाँ क्या बोलते हो तुम, ये मास्क लगा कर बैठी, देखो इसका। चलो चलो हम लोग निकलते हैं गाइस, तो गाइस हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए, अब ये राधा ये भाभी
और गाड़ी यहाँ छोड़ दी। अब जा रहे हैं अंदर हम लोग हॉस्पिटल। गैस अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, तो डॉक्टर ने देख लिया, बाकी अभी दवा का वेट कर रहे हैं, दवा आ जाए और भाप भी लगने वाला है ना, तो भाप लग जाए उसके बाद फिर दवा वा लेके फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे, उसके बाद घर जाके। गैस आप लोग दुआ करिएगा मेरा बाबू जल्दी ठीक हो जाए प्लीज़, बहुत परेशान है हम लोग, बहुत मतलब बहुत तकलीफ़ हो रही है हमको। इस तरह बाबू जब खांसी करता है ना तो हमको बहुत तकलीफ होता है, बहुत कष्ट होता है, रोना आ जाता है कि बाबू की खांसी जल्दी ठीक हो जाए। ओके ये देखो गाइस भाप लग रहा है उसको, बाबू को कैसे बना रहे हो, चालू तो करो। देखो भाप लग रहा है इसको। राधा भी बना रही है वीडियो। इतनी देर लगाना था? अरे घासी ना बंद ना करे, जो काहे चले गए वो और लगाया ना, ये तो बताना चाहिए इनको, छोड़ के चले गए। अरे तो कितना देर लगाना, वो खांसी आने लगी छोड़ दिया। हम तो आ रहे थे ना, तो नहीं तो पता नहीं, वो खांसी आने लगी ना तो इसलिए छोड़ा। अरे पकड़ेंगे आप, पकड़े हम थोड़ी नहीं पकड़ेंगे, तो बच्चे रोएंगे तभी तो काम करेगा। आप लोग वीडियो बना रहे हैं, देखिए हम लोग जानते हैं कब निकालना है, दो चार मिनट पाँच मिनट। हाँ तो इसीलिए आपको रहना चाहिए, हम पकड़ेंगे उसको, आपका काम है ये ना, आपका नहीं है। अरे यार मास्क हटाओ, मास्क हटाओ। हम लोग दवा लेके अब निकल चुके हैं, देख सकते हो ये रोड है, ये रास्ता है, ये घर है, और अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है क्योंकि दवा ले लिया गया है सबका, मतलब सबका क्या, मुझे भी हुआ था लेकिन हम नहीं लिए, देव का दवा आ चुका है। ये रो रही है क्या, ये रोड है, ये रास्ता, ये रो रही है जाने के लिए अपने नानी के घर, देखो। और ये भी रो रही हैं जो उनके पीछे हैं, भाभी।
अपने नानी के घर जाने के लिए ये रो रही है और वो मम्मी की क्या बोल रही है? क्या हुआ? कहाँ हुआ बेटे? क्या हुआ? क्या हुआ बताओ, गाइस से बता दो ना। बता दो गाइस से, जल्दी से बताओ कि तभी तो चलेंगे। क्या सही से बोलो भाई। नानी घर, नानी घर रो रही है। गाइस ये रोड है, ये रास्ता है, ये मार्ग है, यहाँ से दर्शन होते हैं। ले लेख गाइस मार्ग दर्शन। कितनी बढ़िया सरसों का पेड़ यहाँ लगता है बता, मस्त। अब चले, अब देखते हैं क्या काम करता है क्या नहीं। हाँ अभी कैसे ये दवा काम करती है, तो दूर आए दवा लेने, तो भाप भी दिया गया और भाप वाला देख ही लिया होगा आप लोगों ने। और देखो फिर खांसी आ गई उसका। हाँ ठीक, खांसी आ रही है, ये है। अब चलते हैं घर, उसके बाद आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे, डिटेल बताएंगे घर पे जाकर। हेलो गाइस, हम लोग दिन में वीडियो नहीं बना पाए, वहाँ से हॉस्पिटल से हम लोग आ गए हैं। ये देखो राधा बैठी है। हम लोग आ गए हैं, लेकिन वहाँ से आने के बाद जो भी हुआ वो सारी चीज़ अब राधा बताएगी डिटेल में आपको, और आप भी सुन लेना, मतलब बाबू को क्या हुआ क्या नहीं, कैसे क्या, हर एक चीज़। इसको बंद कर यार, हीटर चल रहा है, हम यहीं बैठने वाले थे, अभी हमारा गर्म हो जाता पिछवाड़ा। ये देखा अभी, ये हमें थोड़ा सा चोट लग गई, हम आपको दिखाते हैं, देखो चोट भी लग गई है ये, दिख गया नहीं दिखा, अब दिखा, देखो लाल लाल दिखा। अच्छी वही मैं इनको ना हल्दी वाला दूध दे रही हूँ, ये हल्दी वाला देखो दूध दे रही है। अभी तेल भी लगाई है, पट्टी लगाई थी, पट्टी लगाई, तो पट्टी निकालने लगी, बाबू को ली नहीं थी, बाबू को दीदी ली थी, दीदी मतलब मेरी जेठानी। हाँ, तो वही ली थी, तो क्या कहते वही बाबू का दवाई हुआ ली, डॉक्टर ने बोला ऐसे वही बताई भी थी, वही बताई भी थी कहाँ जाना है, हम लोग उनके यहाँ गए थे जहाँ पे वो बताई थी कि वहाँ अच्छा हो जाता है, ये जो बाबू खांसी आ रही है ना वहाँ अच्छा हो जाता है, कई लोगों का उनके मतलब घर में ही हुआ था ऐसा, तो इस वजह से वो बताई थी, जो उनका मायका वहाँ पे ऐसा हुआ था, तो वहीं हम लोग इतना दूर गए थे। क्यों बिट्टी का भी तो कह रहे थे ना, कान से खून निकलने लगा था, तो एक बार मैंने दवा इनके यहाँ से लेके गई और बिट्टी को पिलाया, कान का जो खून निकल रहा था वो अपने आप बंद हो गया, तो कहे कितना जल्दी ठीक हो, चलो एक बार बाबू को वहाँ पे दिखा देते, मैं बोली चलिए ठीक है, मुझे दिखा लेते हैं, उसको आराम मिले, बस यही जानते मतलब। हम लोग इतना दूर गए थे, इतना दूर गए, और फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, बाबू का दवा ली, बताया होता है सारा प्रॉब्लम, फिर बाबू को भाप लगने लगा, बाबू बहुत रोया, बहुत रोया, भाप आप लोग देखे भी होंगे इसी वीडियो में, और रोने लगा। फिर इसके बाद अभी तो जहाँ तक हमारे को दवा पिलाए हैं, आज खेल रहा था, आराम है दवा से, भगवान की दया रहे, आप लोग की दुआ रहेगी तो मेरा बाबू जल्दी ठीक हो जाए, कल तक और ज़्यादा अच्छा हो जाए, लेकिन एक बार दवा पिलाने से थोड़ा असर हुआ है, वो खेलने लगा, अभी दूसरी बार पिलाया, देखे सुबह क्या हाल चाल होता है उसका, मतलब क्या ठीक रहता है, रात को खांसी बहुत आती है, रात को अगर नहीं आएगी तो समझ, रात को बहुत खांसी आती है, तो समझ जाऊंगी कि हाँ बाबू ठीक हो गए, मतलब ये दवा अच्छी है। बस देखो रात को पता चलेगा क्या होता है, बस बहुत बहुत तकलीफ में हम इस चीज, अभी देखो टेंशन में, अभी टाइम हम आपको दिखा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, अगर दिख जाए तो 10:20 हो चुके हैं, हम लोग वीडियो बना रहे हैं, बाबू यहाँ पे देखा सो रहा है, उसको हम सुला दिए तब जाके बैठ के खाना खाए, उसको छोड़ नहीं रही हूँ, सोने के लिए परेशान था बहुत, तो फिर मैं बोली इसको सुला दू फिर मैं खाना खाऊं, बस ऐसे ही चल रहा है। इतनी सारी और ये जो मासे हैं, तो ये बाबू को देखूं, इनको देखूं, खाना पीना बनाऊं, मेरे को तो खुद नहीं समझ में आता, इनको छोटे से बच्चे बने हैं। हम जा रहे थे रोड पे, मतलब हम गए थे कार से, कार से एक्सीडेंट नहीं हुआ कार से कोई, लेकिन हम एक लड़के को, मेरा दोस्त ही था, उसको हम दौड़ा लिए, मतलब पैदल ही कार से उतरने के बाद, उसके बाद हम गिर गए, तो ये जो चोट दिख रही होगी आप, सरिया मूर्चान वाली सरिया, मूर्छा लगा हुआ था वही सरिया इनके लग गया पैर में,
ये देखो अभी बताइए आप लोग कितना खतरनाक, ये जो घुटने की चोट होती कितना ज्यादा दर्द करता है। अभी इनको लगा हुआ नहीं होगा कभी, इनको पता नहीं है ना, कल पता चलेगा। उठने बैठने में इनको जब दिक्कत होगी तो सोचेंगे कि हाँ राधा क्या कही थी, सच में दर्द हमको पता है कि कल दर्द होने। एक बार आपको मैंने बोला था ना कि आपसे मैं, आप बोले कि जब मैं आपसे पूछी आप मुझे कितना प्यार करते हैं तो आप बोले कि ऐसे कुछ बताए थे, तो आपने बोला कि तुम बता तुम कि मुझे कितना प्यार करती हो, तो हमने कहा था जितना घुटने में चोट लगने पे दर्द होता उतने में आपसे प्यार करती हूँ, जब जब आपको ये दर्द करेगा तब तब आपको मेरा प्यार याद आएगा। ये कौन सी बात है यार? सही बात, मतलब घुटने का जो चोट होता उतना मैं ज्यादा प्यार करती हूँ, उतना ज्यादा। तो सोच अब ये दर्द तो आज तो हमको बिल्कुल नहीं पता चल रहा है, इसका मतलब तुम आज तो हमको प्यार नहीं कर रही है। पता नहीं पता इसलिए नहीं चल रहा है ना क्योंकि ये दवा अभी खाए हैं। अभी ताजा भी है आज हाँ, का तो ये। अभी ताजा, जब ये बासी होता है जब इसमें पपड़ी लगेगी उई। अभी देखिए कर पता नहीं चल रहा है, उई कर दिए थोड़ा सा हाथ रखने पे। ये हाल इनका बताते हैं, झूठ बोलने को कह दो तो कह देंगे कि हाँ लीजिए गरम गरम इसको फूक के पी लीजिए, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा ही पिएंगे? नहीं ठंडा नहीं पीना ना, इसको फूक फूक के पीना है ना। चम्मच? चम्मच निकाल दूंगी। चम्मच क्या, तो ये सब है गाइस। चम्मच इसलिए रख डाले है ना कि इसमें नीचे हल्दी बैठ ना जाए, तो इसे हिलाते रहिएगा तभी अच्छा रहेगा। इसीलिए हम कल ब्लॉग भी नहीं डाल पाए थे, जो आप लोग ये आज ब्लॉग देख रहे हो तो हम कल ब्लॉग इसीलिए नहीं डाल पाए क्योंकि वहाँ हम लोग चले गए तो उसमें बिजी हो गए बाबू को दिखाने में, तो इस वजह से। और हमारी भी खांसी अभी दीदी थोड़ी। भी चाहती थी कि दीदी अपने मायके जाने के लिए सोच रही थी, सोची जा रहे मायके, उनका मायका वहीं पास में ही है तो मायका जाना चाहती थी, लेकिन बाबू को मैं सोची कि एक दो दिमाग सही नहीं था तो अच्छा नहीं लग रहा था कुछ, मैं सोच रही थी दवा लेके जाऊँ घर, फिर कभी उनके घर जाऊंगी, मुझे भी मन है जाने का उनके घर, तो अभी नहीं, लेकिन जब बाबू ठीक ठाक हो जाए फिर कोई फिर प्रोग्राम कभी जाएंगे होगा तो हम फिर लोग, जाएंगे कभी, जबकि फिर बगल आपको में ही था दिखाएंगे। थोड़ी दूर पे, लेकिन हम ज्यादा लोग दूर गए नहीं नहीं। है, बहुत पास में था, मतलब 3-4 किलोमीटर था उनका घर, तो बस इसीलिए नहीं जाएंगे, बाबू की तबीयत खराब थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कुछ, बस यही बात थी, अब वरना देखो। वहां जाते भी हम लोग। बस यही मैं था। तो कल भी रोई आज भी रोई, पता नहीं जब, अब आज बाबू जब दवा पिलाने के बाद जब वो खेलने लगा तब मुझे अच्छा लगा, फिर मैं कह रही कहीं किसी की नजर न लग जाए इसको, जब वो खेलने लगा तो मैं बोली किसी की नजर न लग ये जाए। थोड़े थोड़े में रोने लगती है पुक पुक करके। या इनसे इनसे भी मैं बहुत परेशान हो जाती, ये छोटे से जो बच्चे बन जाते हैं ना, मैं सोची काम छोड़ छोड़ के, बाबू तो रोता है उसको संभालते, इनके चक्कर में आटा सान रहे थे, ये आए कह रहे मेरे देखो मेरे को चोट लग गई, आटा छोड़ के आए इनको हल्दी तेल गरम करके लगाई इनके उसमें, और डॉक्टर बोला सुई लगवा लेना टिटनेस की, तो नहीं लगवा के आया, दवा ले ली है सुई नहीं लगवाए, अब पता नहीं कब लगा था सुई कब नहीं लगा था, लेकिन कल मैं इनको भेजूंगी सुई लगवाने के लिए पहली बार, और अब देखती है फिर दोबारा लगाई हूँ हल्दी तेल, अभी हल्दी और दूध दे दूँ फिर दवा खिला दूँ तब ये सोए, अब कल इनको पता चलेगा क्या हाल होगा। कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। चलो गाइस थैंक यू सो मच, यही इसमें सब है जो भी चीजें थी आपको हमने बता दिया। और बहुत लोग बोलते हैं ना ये आप लोग क्यों वीडियो में शेयर करती हैं, ये जरूरी बताना, ये वो बहुत चीजें बताते, कोई कहता जैसे कि आप लोग पूछती है ना कि दीदी बताइएगा कि कैसे माँ क्या क्या किया जाता है माँ, मतलब तो लिख दे रहे हम लोग, अरे जैसे लगता है आप ही पहली बार माँ बनी है और कोई माँ ही नहीं बना, ऐसे ऐसे बहुत लोग कमेंट कर देते हैं। उनको हमको इग्नोर करना है, इग्नोर तो हमने हम कर ही रहे ना, कौन सा हम उनको लेके बैठ रहे हैं, लेकिन क्योंकि जहाँ 100 कमेंट अच्छी है तो वहाँ 1 कमेंट खराब है, तो वो 1 कमेंट कहाँ पता चलने वाली है गाइस। तो बस वही लव आप लोग प्यार देते रहो जो 100 कमेंट का है, बस अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस, और आज का ब्लॉग यहीं एंड करेंगे, और बाकी जो अपडेट होगी आगे के ब्लॉग में पता चलने वाला है बाबू का क्या कैसे क्या ठीक हुआ कि नहीं अगर ये कैसे। दवा अच्छी रही अच्छी निकल गई तो ये दवा भी मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी, सब यही बता दवा देंगे बताऊंगी, क्योंकि आजकल के बच्चे वहां भी दो दो खांसी कर रहे थे एकदम सेम ऐसे, बहुत लोगों को तो कई आजकल लोगों का ऐसे हो रहा। खांसी आ रही है, खांसी आते आते उल्टी हो जा रही छोटे बच्चों को, तो अगर ये दवा अच्छी निकल गई तो मैं ये दवा को ब्लॉग में जरूर बताऊंगी ताकि आप लोग खरीद सके। गुड थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, और सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप लोग नए हो नाइट। तो।
नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अभी के लिए गुड नाइट, बाकी है गुड मॉर्निंग, हो सकता है आप लोग गुड मॉर्निंग में देख रहे हो। थैंक यू सो मच। कोई बोली कि दीदी आप दो कलर का नेल पेंट क्यों लगाए हैं, तो ये फैशन है, मैं भी थोड़ा सा फैशन कर रही हूँ ना, इसलिए इसलिए मैंने दो कलर का नेल पेंट लगाए हैं। बाय बाय, अगर नई वीडियो देखना है सब्सक्राइब जरूर करें, नीचे बटन दिख रही होगी। थैंक यू सो मच।